रियलमी नार्जो 30 Pro 5G, ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है, बट जिस प्राइस सेगमेंट में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ उसके हिसाब से इस स्मार्टफोन में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो रियलमी ने आज इंडिया में दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिए, एक रियलमी नार्जो 30 Pro 5G और एक रियलमी नार्जो 30A। तो क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है जिस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हुआ उसके बारे में बात करते हैं। बट रियलमी नार्जो 30A जो स्मार्टफोन है उसके बारे में कल बात करेंगे, कल के वीडियो में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। आज के वीडियो में बात करते हैं रियलमी नार्जो 30 Pro 5G जिस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको प्राइस बता देता हूँ, दो वेरिएंट में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, एक है 664, इस वेरिएंट का प्राइस है 17,000 एंड दूसरा वेरिएंट है 8128, इसका प्राइस है 20,000। तो जो 17,000 का बेस वेरिएंट में 664GB लॉन्च हुआ है उस स्मार्टफोन में, तो क्या क्या नेगेटिव पॉइंट एंड क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है 17,000 के हिसाब से उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट पॉइंट आउट करते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपको 6.5 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया, बट आपको यहाँ पे 6.5 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड करना चाहिए था। इसके बाद अगला नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कैमरा में, रियर कैमरे में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा नहीं दिया गया, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया, जबकि 64 मेगापिक्सल का प्रोवाइड करना चाहिए था इस प्राइस सेगमेंट में। इसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया, जबकि आई थिंक कि 12 मेगापिक्सल का देते तो ज़्यादा बेटर रहता। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया, जो कि नॉर्मली हर एक स्मार्टफोन दे रहे इस प्राइस सेगमेंट में 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो लेंस, बट यहाँ पे डेप्थ सेंसर मिसिंग है, कोई भी डेप्थ सेंसर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये भी एक नेगेटिव बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगला नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपको एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया, जबकि एंड्रॉयड 11 6 महीना पहले स्टेबल अपडेट आ चुका है, स्टेबल अपडेट निकल चुका है, बट फिर भी अभी भी आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 10 प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारे थे नेगेटिव पॉइंट, अब बात करते हैं क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो आपको 5G प्रोवाइड किया गया, जो कि काफ़ी बढ़िया इस प्राइस सेगमेंट में। इसके बाद आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया एंड 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट प्रोवाइड किया गया। इसके बाद आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। इसके बाद आपको प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। अगला पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको 5000mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है। इसके बाद आपको 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, बट 30W का फास्ट चार्जर जो देखने को मिलता है इसमें थोड़ा सा एक डाउनग्रेड में कहूँगा, वैसे इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, बट जो लास्ट ईयर हमें देखने को मिलता था रियलमी नार्जो 20, तो रियलमी नार्जो 20 जो सीरीज था उसमें आपको 65W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिला था, बट इसमें आपको 30W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल रहा था, 30W का चार्जर दे रहा, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है। इसके बाद आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मैं कहूँगा ठीक ठाक है। एंड लास्टली आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। तो ये सारे थे क्या क्या नेगेटिव पॉइंट एंड क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट। अब क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये ओवर प्राइस्ड है या ठीक प्राइस है? तो देखिए, थोड़ा सा ओवर प्राइस है ये स्मार्टफोन, जो आपका 664 वाला वेरियंट है वो आपको 15,000 में प्रोवाइड करना चाहिए था रियलमी को। एंड इसके बाद 6128 वेरिएंट एक मिसिंग है, 6128 वेरिएंट जरूर से प्रोवाइड करवाना चाहिए था। एंड इसके बाद 8128 वाला जो 20,000 है वो तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये स्मार्टफोन ओवर प्राइस है कि नहीं, थोड़ा सा ओवर प्राइस जाता है ये स्मार्टफोन, अब आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए कि नहीं। तो स्पेक्स के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, बस कुछ कुछ चीज़ मिसिंग है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, ऐसे और भी स्मार्टफोन के नेगेटिव पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट वाले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। एंड बाकी कल तो रियलमी नार्जो 30A का भी नेगेटिव पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।